आज का फिर करते हैं सेशन स्टार्ट। बिस्मिल्लाह करते हैं। थ्री पॉइंट सेवन अच्छा भाई 3.7 नॉलेज की थ्योरी थ्योरी इसकी आपको छह क्या, सवाल है बस कितने सवाल हैं? छह हैं। बस 6 हैं। चल कोई नहीं, आज ही कर लेंगे सर जी। हाँ आज ही इंशाल्लाह, आज ही वाइंड अप कर लेने। टोटल 13 सवाल वन हैं। टू हाँ थ्री हाँ अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई ये लें जी, अली कौन से कलर से करें आज? जी रेड से ठीक रेड से कह दो, ये ऑरेंज कलर का है तकरीबन। चलो जी ओके हो गया। एक मिनट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। उमर सार किधर गई? उमर आपको पता नहीं चला? दरवाजे नहीं नोक हुआ अभी? आपको पता नहीं चला? यार मैंने अपने शनाख्ती कार्ड में ना सार को तेरा घर का एड्रेस बताया था। आप क्या कर तू आपने बैन नहीं लगवाई हुई है आपने? अच्छा अभी क्वेश्चन अब भी हम स्टार्ट करते हैं ना। सर जी आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी पहले। हाँ मैंने आवाज म्यूट की हुई थी। सर इसकी थ्योरी कोई नहीं है?
जी कल पढ़ना है, आज नहीं पढ़ना हमने। हाँ आज ही पढ़ना जी, आज ही पढ़ना है। 1 मिनट बस, एक कॉल आई हुई है, मैं अभी बैक करता हूँ आपको ना रिस्पॉन्स। फिर कोई बात नहीं, ताबियादार था जी हम। अच्छा अभी स्टार्ट करते हैं लेक्चर। वो कहते हैं ना कि दो कॉल आपने कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं करनी, सुना सर नहीं, है? बेशक ताबेदार था मैं। वो बस ठीक हो गया। अच्छा अभी ये क्वेश्चन था हमारे पास, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन, और जो उसकी लिमिट्स है ना वो फ्रॉम एक्स टू टू जा रही है हमारे पास, और उधर इसने मतलब ये हमें बता रही है फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व। एक्स एक्सिस और कर्व के दरमियान में हमने एरिया जो है फाइंड आउट करना है। तो अब ये क्वेश्चन है, तो ये हमारे पास उसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट मतलब ये दे दी है, मतलब सिंपल वही है क्वेश्चन, वही है, जस्ट उसको स्टेटमेंट बना के दे दिया उसने। तो अब इसमें हमारे पास ये देखें, जो वाई है बेसिकली ये फार्मूला होता है ना हमारे पास, वही ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये फंक्शन फंक्शन वाई में होता है ना, वाई इक्वल टू फंक्शन की जो डेफिनेशन थी वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो फर्स्ट क्वेश्चन में की थी। तो ए की वैल्यू हमारे पास इधर है लोअर लिमिट की वन, अपर लिमिट की हमारे पास वैल्यू है इधर बी की वैल्यू टू, और एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास इधर आ रहा है एक्स स्क्वेयर प्लस वन। ये मतलब इस क्वेश्चन में हमने पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमने क्या किया, सिंपल वही क्वेश्चन बन जाना है। अब इधर से तो हमारे पास ये मेरे ख्याल में इस तरह का क्वेश्चन 3.6 का सा, पहले पहले क्वेश्चन यही था, पूरी स्टेटमेंट भी यही है। देखें 3.6 की पूरी स्टेटमेंट भी यही है। तो इसमें देखें हमारे यस पास, सर, इसमें हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर लग और सिंपल वन का लग। तो इसमें देखें हमारे पास ये बन जाएगा एक्स क्यूब, जब इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे एक्स क्यूब ओवर 3 x। तो उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट करने के बाद हमारे पास वही जवाब, इसमें कोई बताएगा क्या था कल जवाब? 10/3, 10/3 हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। ये मैंने कल भी आपको बताया था कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में काफी मरतबा आ चुका है ये वाला ना, बाज़कात इसी शक्ल में आ जाता है, बाज़कात वो 3.5, उसमें भी पहले ही क्वेश्चन है, इसमें भी पहले ही क्वेश्चन है। और साथ आपको पता है जब भी एरिया फाइंड आउट करते हैं तो वो स्क्वेयर यूनिट साथ लिखते हैं, मेंशन करते हैं। बाज़ का तो ऐसा होता है कि पेपर में वो चेक करने वाला है वो इस तरह मतलब इसको इग्नोर कर देते हैं, और बाज़ का तो होते हैं मतलब इसके पॉइंट्स होते हैं, मतलब 0.5 होते हैं इसके मार्क्स है ना, कि जैसे वो फिजिक्स में आपने डिस्कस किया होगा कि न्यूमेरिकल के साथ आप यूनिट ना डालें तो वो नंबर काट लेते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सेकंड ही है। यस सर, यस सर। ओके उसमें कहता है फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस एंड अंडर द कर्व। अबव द एक्स एक्सिस और अंडर द कर्व, जब अबव द अंडर होगा उसका एक्स एक्सिस, बेसिकली तो आपको ये पता है कि ये एक्स एक्सिस होती है हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अबव द एक्स एक्सिस मतलब ये ऊपर वाला, तो इसका मतलब ऊपर में y की वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव,
और नीचे में हमारे पास क्या होती है, वाई की वैल्यू नेगेटिव, इधर हमारे पास आता है माइनस वन, इधर आता है प्लस वन. तो ये देखिए, फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस अंडर द कर्व, और कर्व जो भी इधर बनाई होगी. तो अब ये देखिए, हमारे पास उसने फंक्शन दे दिया हमारे पास y इक्वल टू फाइव माइनस एक्स स्क्वायर, और लिमिट्स भी उसने खुद ही बता दी है x माइनस वन से x इक्वल टू टू तक. अब ये हमने पुट कर दिया एरिया फाइंड आउट करने का वही फार्मूला, a की वैल्यू पुट की, b की वैल्यू पुट कर दी, f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दी, दोनों की सेपरेट हमने क्या किया, उसको इंटीग्रेशन अलग अलग कर ली. इंटीग्रेशन जब हमने अलग अलग की, तो इंटीग्रेशन अलग अलग करने के बाद हमने उसकी इंटीग्रेशन करेंगे. अब देखें, फाइव की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी, फाइव की इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगी फाइव एक्स, और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स क्यूब ओवर थ्री. इकट्ठी उसने मतलब इंटीग्रेशन इधर अप्लाई कर दी है, आपने भी इकट्ठी करनी इकट्ठी कर लो, और सेपरेट करनी है सेपरेट कर लो. तो इधर हमारे पास अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अब ये पूरा फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन में हमने पहले अपर लिमिट पुट की, जहां जहां एक्स आ रहा है टू पुट किया इधर, फिर टू पुट किया इधर, माइनस इस पूरे फंक्शन में फिर लोअर लिमिट पुट कर दी जहां जहां एक्स आ रहा है, उनको सॉल्व किया. सॉल्व करने के बाद, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 12. सर ये स्क्वायर यूनिट क्यों लिखा हुआ है? एरिया है ना, एरिया किसमें होता है, स्क्वायर यूनिट में होता है. ठीक हो गया सर. एरिया हमारे पास इसमें होता है स्क्वायर यूनिट में. तो ठीक हो गया, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? यस सर. यस सर. चलें अभी नेक्स्ट सर. जी जी, नेक्स्ट थ्री है सर. ये अबव एक्स एक्सिस और बिलो का बता दें, ये क्यों गिवन किया? अबव एक्स एक्सिस का जब आएगा तो तब इसकी वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये वाली वैल्यू जो है ना, अभी मैंने बताया था इधर कि जब अबव एक्स एक्सिस करेंगे हम, ये देखो x एक्सिस ये होता है, ये अबव x एक्सिस है. अबव x एक्सिस आपको पता है जो फंक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा, ये उसने मेंशन किया है. ये देखो y पॉजिटिव है, y ग्रेटर देन 0. अबे फर्स्ट क्वेश्चन में क्यों नहीं बताया? जी फर्स्ट क्वेश्चन में फिर क्यों नहीं बताया? वो मुझे याद नहीं रहा. तने स्टेटमेंट में नहीं ना लिखा हुआ? नहीं नहीं, वो ये बात सारे पहले बताने वाली थी ना, वो क्लियर नहीं हुआ मुझे. हाँ कोई बात नहीं सर. तो अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड. यस सर. फाइंड द एरिया बिलो द कर्व एंड अबव द एक्स एक्सिस बिटवीन. अबव द एक्स एक्सिस आ गया ना, उसी तरह ही अबव द एक्स एक्सिस आ गया, इसका मतलब वो वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव होगा हमारे पास. तो y की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हमने फाइंड आउट करते हैं, फंक्शन भी हमारे पास अंडर रूट थ्री अंडर रूट x दे दिया उसने, और साथ उसने मेंशन कर दिया है लिमिट्स बता दिया 1 से 4. तो इधर हमारे पास ये देखे, ये आ गया फंक्शन, ये लिमिट आ गई हमारे पास x 1 से 4. तो अब ये हमारे पास उसी तरह वही फार्मूला, ए हमारे पास इधर 1 है, बी हमारे पास इधर है 4. तो ये फंक्शन आ गया हमारे पास. अब इस फंक्शन को हमने कैसे सॉल्व करने, 3 कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, ये हमारे पास इसको लिख सकते हैं 1/2. अब इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, एक्स का डेरिवेटिव 1 मौजूद है. तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है हमारे पास, तो हमने उसका इंटीग्रेशन ली, इंटीग्रेशन में हमारे पास उसका क्या बन गया, उसकी पावर में 1 ऐड करेंगे, वही पावर नीचे एज इट इज आ जाएगी. तो उसके बाद अपर लिमिट पुट करनी है, माइनस ये अपर लिमिट पुट कर दी, ये 2/3 था, ये ऊपर जाके 3/3, 3 से कैंसिल हो गया, ओनली 2 रह गया इधर, और ये वाला फंक्शन रह गया. इस फंक्शन में हमने क्या पुट करना है, 4 पुट किया, माइनस और 1 पुट कर दिया. तो इनको सॉल्व करेंगे, 4 हमारे पास बेसिकली बनता है 2 का स्क्वायर, 8 बन जाएगा.
वो टू कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारे पास बन जाएगा 8 बन जाएगा, और इसका आंसर हमारे पास 1 बन जाएगा, फिर इसका आंसर टोटल हमारे पास बन जाएगा 14। ठीक है, तो वो हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा 14। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका है 5। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व वाई। अब उसने इधर बोला है पास, अबव और बिलो का, हाँ बिटवीन उसने बोल दिया ना, फाइंड द, इधर ये देखें, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस, कर्व एक्स एक्सिस से नीचे भी हो सकती है तो फिर वो बिलो में आएगा। इधर हमारे पास क्या है ना, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व, एक्स एक्सिस और कर्व के दरमियान। अब जब ये वाली बात ना हमें इधर से पता लगती है, जब हम इसका ग्राफ बना के देखते हैं, चंद जो की बुक वाले ना उन्होंने साथ इसका ग्राफ भी बनाया होता है, वो इधर इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने का तरीका कार आपको पता है, जीरो पुट किया तो वाई का आंसर क्या बन गया, जीरो, तो पहला पॉइंट ये आ गया। अब आपने पुट करना है इसमें वन, वन पुट किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, थ्री, वाई का आंसर थ्री, आपने पुट किया था वन, जवाब आ गया आपके पास थ्री, तो फिर आपने टू पुट किया तो जवाब बन गया इसका फोर, इसका जवाब बन गया टू पुट करने के बाद जवाब फोर, मतलब इस तरह मूव कर रही है ये कर्व, ये ऐसे जा रही है ये वाली कर्व, ऐसे जा रही है ये वाली ना, तो इधर से हमें पता लग जाता है जब हम पुट करते हैं ना ये वाली वैल्यूज, तो इधर से हमें पता लग जाता है। तो अब ये एक्स एक्सिस और कर्व के दरमियान वाला जो बिटवीन वाला एरिया, ये हमने फाइंड आउट करना है। क्लियर हुआ उमर? यस सर। ओके, अच्छा भी ये हम, अब इसमें एक इशू बन गया हमारे पास, इसने वो पॉइंट्स नहीं हमें दिए, जब पॉइंट्स ना दे मतलब कि हमने कहाँ से कहाँ तक का फाइंड आउट करना है एरिया, मतलब उसकी लिमिट्स, तो इसकी लिमिट्स फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, जो फर्स्ट जो ये दी हुई है हमारे पास फंक्शन, उसको हमने जीरो के बराबर पुट कर लिया, जीरो के बराबर पुट करने के बाद हमारे पास एक्स के दो आंसर आ जाएंगे, बेसिकली तो वो होती है ना एक्स की, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, तो इधर से हमारे पास आंसर दो आ गए, जब एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स फोर माइनस एक्स रह गया, तो एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू फोर। अब इधर से हमारे पास बन जाएगा जीरो से फोर, और इधर बन जाएगा फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसकी इंटीग्रेशन हमने लेनी है, मतलब पहले हमारे पास ये बनी भी नहीं होती थी, तो अब इसमें हमारे पास इंटीग्रेशन लेनी है, तो वो देखते हैं आगे इसने सॉल्व की हुई है। ये देखें, ये आ गया हमारे पास, ये क्वेश्चन आ गया, एक्स की इंटीग्रेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर ओवर टू, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन बनेगी एक्स क्यूब ओवर थ्री, तो ये टू वन जार टू टू जार कैंसिल हो गया, ये बन गया टू एक्स स्क्वायर, ये बन गया एक्स क्यूब ओवर थ्री। अब इधर से हमारे पास इसमें पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट टू पुट, सॉरी फोर पुट किया पहले, फिर जीरो पुट किया, जीरो पुट करेंगे तो ये सारी की सारी वैल्यू ही क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जस्ट ओनली ये वाला फंक्शन रह जाएगा, ये फोर की पावर टू 16, 16 टू जार 32, 4 की पावर 3 64 होता है, और नीचे 3 आ गया। एलसीएम इनका क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा हमारे पास 3, एलसीएम इसका 3 आना था, इधर 32 ओवर 3 आना था। यस सर। हाँ, एलसीएम इसका 3 बन गया, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 टू जार 6, 3 जार 9 माइनस 64, तो ये बनता है 32 ओवर 3, 32 ओवर 3 आना था, अगर तो 2 होता तो इधर फिर वो कैंसिल हो जाना था। 7th पार्ट है। अब नेक्स्ट 7th पार्ट, कितने क्वेश्चन हो गए, तो दो रह गए बस, चार हो गए, दो रह गए, दो रह गए, चलो ठीक हो गया, अभी टाइम है हमारे पास।
सेवंथ पार्ट अब? यस सर. यस ओके. अच्छा अभी सेवन की स्टेटमेंट हमारे पास इधर कह रही है, एक मिनट, सेवन की स्टेटमेंट में हमारे पास आ रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये आ गई, एंड द एक्स एक्सिस एंड द लाइन. अब उसने बता दिया एक्स एक्सिस और लाइन. अब देखिए उसने पॉइंट एक बताया, लाइन उसने बता दिया टू. अब ये देखें जब हम बताते हैं ना लाइन एक्स इक्वल टू टू पे, मतलब ये वन है ये टू पे, ये लाइन पे है हमारे पास, ठीक है ना. एक्स एक्सिस एंड लाइन एक्स इक्वल टू टू, उसका मतलब ये वाली लाइन जो आप उसकी ये जो आपकी बुक नहीं है सेकंड ईयर की, इसका पांचवा चैप्टर करते हैं अगर ग्राफ वाला. हाँ हाँ ग्राफ वाला उसमें बनाते हैं ना, मतलब सिंपल आप एक्स इक्वल टू टू बनाते हैं जब उसकी आप क्रॉस्पॉन्डेंस इक्वेशन बनाते हैं x equal जी सर, y equal to 0. Yes, sir. तो उधर से हमारे पास ये बनता है. तो अब देखिए हमारे पास ये फंक्शन है, इस फंक्शन को हमने क्या किया इक्वल टू उसी तरह जीरो रखा. अब ये बेसिकली फार्मूला होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, इसको लिखते हैं हम x का क्यूब प्लस y का क्यूब, ये होता है हमारे पास x प्लस y, x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. तो इसमें ये फार्मूला हमने एक्सपेंड किया, फार्मूला एक्सपेंड करने के बाद ये हमारे पास आ गया x माइनस वन, x माइनस वन आ गया. x माइनस वन के बाद जब इसको सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो कोई ना कोई इमेजिनरी पार्ट बनेगा. इसमें ये देखिए इधर से पता लग गया ये इमेजिनरी पार्ट, मतलब जिसमें एटा वाला आ गया, ठीक है ना. तो इसमें हमारे पास आपको पता है कि ये जो होती है कार्टेशियन प्लेन, इसमें हमारे पास एओटा को हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसमें ये कर सकते हैं. हां सर, ये कार्टेशियन प्लेन होता है हमारे पास एक्स वाई प्लेन, जिसमें हमारे पास रियल नंबर ही होते हैं, इधर भी सेट ऑफ रियल नंबर की करती है ऊपर नीचे, मतलब जिधर भी जाएंगे हमने पॉजिटिव नेगेटिव और रियल नंबर ही होते हैं. जब इधर हमारे पास आ गया इमेजिनरी पार्ट तो हम उन्हें उसको इग्नोर कर देना, अगर कोई और आते तो फिर हमने उसको डील करना था. आगे इमेजिनरी आ गया तो इधर हमारे पास अब बन गया एक बन गया टू और एक इधर से हमारे पास बन गया माइनस वन. तो इसका मतलब माइनस वन से हमने मूव करना है टू की तरफ, माइनस वन से टू की तरफ आ गया. और क्वेश्चन हमारे पास इजी था, इसकी स्टेटमेंट इजी थी हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वन, एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन करेंगे एक्स फोर ओवर फोर, वन की इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स. तो उसी तरह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया 27 ओवर 4. इज इट क्लियर? यस सर. नेक्स्ट लास्ट पार्ट ऑफ मतलब लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है. फंक्शन दे दिया ओनली, लोअर और अपर लिमिट नहीं दी. अब इसको हमने क्या पुट किया, हमने पुट कर लिया इसको जीरो के बराबर. अब जीरो के बराबर तो पुट कर लिया लेकिन उसमें तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया था, इसमें तीन पावर आ गई, इसमें हमारे पास होती है सिंथेटिक डिवीजन. अच्छा इसमें आपको एक और बात बताता हूँ इसकी, अगर हमें पता कैसे लगेगा कौन सा रूट हमने रखना है, हम अपनी तरफ से ही मतलब उठा लेंगे रूट है. दोबारा पूछिए कि मतलब हमें कैसे पता लगा कि ये माइनस टू पे ही हमने डिवाइड करना था इसको, हमने इधर टू नहीं लगाया, प्लस टू नहीं लगाया, या फोर नहीं लगाया, या थ्री नहीं लगाया, वन नहीं लगाया, जीरो नहीं लगाया, या कोई और नहीं लगाया, हमने डायरेक्ट ही माइनस टू क्यों उठा लिया. ये कौन सा पार्ट करवा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर एट. सही है तो नहीं है. हाँ बुक में तो एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स है. यस सर. बुक में क्या है? सर ये क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, ये इस यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 ये वाला है.
क्वेश्चन नंबर 9 है ये। ये क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें, अच्छा वो क्वेश्चन इसमें नंबर नो 9 इसमें का फिर इसका दिया हुआ है एक्स क्यूब, ये साइड पे राइट साइड पे। जी। चले वैसे इसकी भी बात ये देख लें, जब भी आपने सिंथेटिक डिवीजन छोड़ें सर इसको, रहने दें, नहीं अभी नहीं करवा दें सिंथेटिक करवा दें। डिवीजन का समझ लें, सिंथेटिक डिवीजन जब भी आपने करनी है तो जो भी उसका लास्ट नंबर होगा ना, लास्ट डिजिट होगा, उसके देखने पॉसिबल डिवाइजर कितने होते हैं, इसके पॉसिबल डिवाइजर कौन से हैं, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू और प्लस माइनस फोर। जो भी हमारे पास जो आपका फर्स्ट रूट होगा वो इसमें से ही होगा हमेशा। एक बात रिपीट कर दे जरा। ये जो सिंथेटिक डिवीजन में हमारे पास कोई भी नंबर देता है ना, जब भी मतलब कोई भी एक क्वेश्चन दे दी उसने, तो हमें कैसे पता लगना है कि उसमें से रूट, मतलब ये वाला हमने इधर 5 नहीं लगा लिया, 4 3 नहीं लगा लिया या 6 नहीं लगाया, हमने -2 ही क्यों लगाया। तो हमने ये भी नहीं करना होता कि 1 से शुरू हो जाना है और मतलब चलते जाना है, हमने लास्ट वाला कॉन्स्टेंट नंबर देखना है, उसके देखने हैं पॉसिबल डिवाइजर कितने हैं, इसके पॉसिबल डिवाइजर कौन कौन से होते हैं, 1, 2 और 4। 1 और 4 यहाँ पर फिर -2 ही क्यों लिया। हाँ तो इसमें साथ हमने प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 4। अब इसने तो मतलब सोल्व किया होगा था ना पहले, ये वाला प्रोसेस इसने पहले सोल्व किया होगा ना। आप इधर -2 ले लो और दूसरा आपके पास हमारे पास शुरू आप करते हैं इनमें से, मतलब इन 6 के अलावा आपने और मतलब कोई नंबर नहीं लेना। लेट सपोज मतलब कोई कहता है मैं 3 ले लूंगा, तो 3 से इसका आंसर कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। इन सबको चेक करेंगे फिर। हाँ इनको सबको चेक करेंगे सिंथेटिक। 5 मिनट रह गए आखिरी करवा दें। चलें लास्ट क्वेश्चन। अच्छा भी ये क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ है, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व, हमारे पास है y इक्वल टू x क्यूब माइनस 4x, दोनों में से y के 0 को y इक्वल टू 0 रखा, तो इधर से हमारे पास x इक्वल टू x कॉमन आ गया, सॉरी तो x इक्वल टू 0 और इधर से ये वाला पूरा पोर्शन इक्वल टू 0, तो इधर से हमारे पास बन जाएंगे दो आंसर उसके प्लस माइनस। अब ये वाली स्टेटमेंट आपको याद होगी कि a से b f ऑफ x dx, अब एक डिजिट जो दोनों में आ रहा हो, अब देखें 2 भी आ रहा है -2 भी आ रहा है और 0 एक है, 0 और एक नंबर -2 और ऐसे 2, ऐसे लिखते हैं ना -2 0 2। अब ये देखिए 0 बिहेव कर रहा है वो वाला काम जो हमने किया था इसमें, ये वाला काम किया था हमने, फार्मूला एक लिखा था इंटीग्रेशन a से b f ऑफ x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a से c, वो जो नंबर आता था a लेस देन c लेस देन b, a से c f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन सी से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये देखें -2 से किधर जाना है 0, फिर 0 से किधर जाना है 2। अब ये देखें ये लिखा हुआ है -2 से 0 और 0 से 2, लेकिन अब ये देखें उसने फंक्शन तो लिखा हुआ है, ये दरमियान में माइनस क्यों डाल दिया उसने। अब ये देखें जब आप इस फंक्शन में पुट करेंगे ये वाला इंटरवल, तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव, माइनस रखोगे तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो सारा आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। आप इन शॉर्ट इन दोनों को रख लो, -2 पहला इंटरवल बन गया -2 से 0, -2 रखा -2 की पावर ये बन जाएगी -2 की पावर 3, तो ये बन जाएगा -8, -8 -8 0 हो गया, 0 रखेंगे तो फिर भी आंसर 0, तो इसमें आंसर इसका वाई का आंसर पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। जब ये वाली वैल्यू रखेंगे 0 और 2, तो इसका आंसर मूव करेगा नेगेटिव की तरफ, मतलब ये वाला इंटरवल है ना, मतलब इन इनके दरमियान में से कोई वैल्यू पुट कर लो, मतलब -1 देखो -1 पुट किया, -1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर बनता है, इसका -1 बन जाएगा, ये +4 बन जाएगा, तो 4 में से हमने 1 निकाला तो 3 पॉजिटिव आंसर नहीं आया हमारे पास, तो इधर से हमें पता लग गया yes, sir. इस इंटरवल में पॉजिटिव है, अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा -3 आंसर, तो इसमें इस इंटरवल में नेगेटिव आंसर है, इसलिए ये वाला माइनस उसने लगाया साथ, वैसे तो बेसिकली इसमें प्लस होता है इन दोनों में, तो ये माइनस इस वजह से आया है। आगे वाई की वैल्यू आपको पता है, वाई की वैल्यू आप पुट करें इसमें,
वाई की वैल्यू पुट करनी है, वाई की वैल्यू पुट करने के बाद ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको बताया था यस एक सर, क्वेश्चन में ये मतलब यूज यस सर। फॉर्मूला। तो जब उसमें पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमारे पास देखते हैं हम, वो क्वेश्चन में पुट कर दिया, पुट करने के बाद हमारे पास ये देखें, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन, एक्स क्यूब का हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स फोर ओवर फोर, इसकी करेंगे तो एक्स स्क्वेयर ओवर टू, एक्स फोर ओवर फोर, एक्स स्क्वेयर ओवर टू, तो हमारे पास आ गया दोनों का आंसर, दोनों का आंसर में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट उसकी डिफरेंट है, अब इसकी जीरो माइनस टू है, इसकी टू और जीरो है। पुट करने के बाद एट द एंड हम देख लेंगे मतलब हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या है, वो हमारे पास 8 स्क्वेयर यूनिट बनता है। क्लियर है? यस सर। सर इनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं? यही जो हमने किया है ना अब, ये वाला इम्पोर्टेंट है ज्यादा, क्योंकि जिसमें ज्यादा थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, वो वाला पेपर में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब तो आपको मतलब इन्होंने कर दिया है, बाउंड कर दिया है कि मतलब 16-17 सवालों में से, 13 सवालों में से आपने जस्ट 6 सवाल करने हैं, तो इसके आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। सर दोबारा बता दे, गेस्ट आए हैं, समझ नहीं आ रही। मैंने कहा इसका जो अभी लास्ट पार्ट किया है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। हाँ सर आज मैं लेट हो गई। ओ कोई